हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे अगर आप पीएचपी माय एडमिन यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे कोई आपने एक डेटाबेस बनाया और एक टेबल आप ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें एक जो कॉलम है आपके टेबल का उसका वैल्यू आप डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि उसका वैल्यू जो आपने डाला है वो अगर कोई वैल्यू नहीं डालता है तो बाई डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू मिल जाए उसे। तो ये करने के लिए हम यहाँ पे एसक्यूएल करके है जिस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं क्रिएट टेबल का जो क्वेरी है ना वो पेस्ट कर देता हूँ और फिर उसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये चीज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल, मैंने टेबल का नाम लिख दिया है स्टूडेंट टू करके और यहाँ पे मैंने एक कॉलम लिया है आईडी करके जिससे मैंने प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट रखा है। फिर नेम करके एक कॉलम लिया है जिसको मैंने वैरकैर 50 रखा है। फिर एड्रेस का जो कॉलम है ना उसे मैंने डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहता हूँ, तो एड्रेस को मैंने वायरकेर 100 रखा और मैं उसका डिफॉल्ट वैल्यू कल्याण रखना चाहता हूँ। अभी इसका मतलब क्या रहता है कि अगर समझिए मैं इंसर्ट कर रहा हूँ वैल्यू और मैं खाली आईडी और नेम डाल रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट जो एसक्यूएल है वो क्या करेगा कि वो एड्रेस के लिए कल्याण वैल्यू डाल देगा। तो ये है हमारे डिफॉल्ट का यूज़। तो डिफॉल्ट एक टाइप का कंस्ट्रेंट है जो हम टेबल के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे फायदा ये होगा कि हम कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू वो टेबल में डाल सकते हैं अगर कोई वैल्यू कोई नहीं डालता है तो। इस तरीके से आप मतलब मैं इसे एग्जीक्यूट भी करके दिखाता हूँ। एक बार मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करने पे ये बोल रहा है कि डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया, तो एक बार मैं डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं डेटाबेस नेम पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल बी करता हूँ और यहाँ पे गो करता हूँ। जैसे ही मैंने गो किया, अगर मैं V2V डेमो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डेटाबेस में एक और टेबल ऐड हो गया स्टूडेंट टू करके। ये जो स्टूडेंट टू टेबल है इसमें डिफॉल्ट वैल्यू आ गया है ये कॉलम में। कौन से कॉलम में डिफॉल्ट वैल्यू आ गया अगर देखेंगे तो एड्रेस में। तो देखो यहाँ पे बता भी रहा है वो कि एड्रेस में वैरकेर है और डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो कल्याण करके है। तो जब आप इंसर्ट करेंगे तब आपको इसका डिफरेंस समझेगा, अगर उसका वैल्यू नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर इस तरीके के वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे फ्यूचर में जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू।